दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हम अपने मोबाइल की किसी भी ऐप को हाइड करके कैसे रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सएप है हमारे पास और फेसबुक है, इनको अगर आप हाइड करके रखना चाहते हैं अपने किसी दोस्त से, इनको छुपा के रखना चाहते हैं, तो आप ये कैसे इनको हाइड करके रखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। जैसे मेरे पास ये सेटिंग आइकॉन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग में आ जाएगी। सेटिंग में आने के बाद ये ऑप्शन आपको स्क्रॉल डाउन करने हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाना है और सबसे नीचे सेकंड लास्ट नंबर पे आपको ऐप लॉक आ जाएगा। ऐप लॉक पे आपको क्लिक करना है। ऐप लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ऐप लॉक आ गया है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ऐप अनलॉक करने के बाद ये आपके पास दो ऑप्शन ऊपर आ चुके हैं और आपने राइट साइड में जो हाइडन ऐप्स हैं उस पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी वो ऐप्स दिख रही हैं जिनको मैंने ऑलरेडी पहले से हाइड करके रखा है, और ये बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको मैंने हाइड करके रखा हुआ है। और अब हमें फेसबुक और व्हाट्सएप को भी हाइड करना है। ये फेसबुक है, इसको भी हम हाइड कर लेते हैं और व्हाट्सएप को भी देखते हैं। ये दोनों व्हाट्सएप है मेरे पास, व्हाट्सएप इसको भी किया और बिजनेस व्हाट्सएप इसको भी हाइड कर लिया। चलिए दोस्तों अब हम वापस जाकर होम स्क्रीन पे देखेंगे कि हमारे जो ऐप्स थे फेसबुक और व्हाट्सएप वो हाइड हुई या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों ऐप्स गायब हैं, यानी कि तीनों ऐप्स छुप चुकी हैं। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल की कोई भी ऐप हाइड करके रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और इसके साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको डिटेल में आपको बताएंगे, और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें।